गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए। चलिए तब तक मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, उन बच्चों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ज़रा ध्यान से देखिए इधर। तो देखो, ट्वेल्थ मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 14,850, सिक्स मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 12,150 और वन मंथ का जो ट्रायल पैक है वो है 2,700। ओके, यस ऋतुजा, यस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आपको अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा ये यूज़ कोड यूज़ कर लीजिए, कैपिटल लेटर में सुनील लाइव यूज़ करना है, यूट्यूब पे सुनील लाइव। ओके, चलिए। और अभी यहाँ पर एमएचटी सीटी चैम्पियन लीग भी स्टार्ट हो चुका है। इसमें दो ग्रुप में डिवाइड, एक पीसीएम ग्रुप में है और दूसरा आपका पीसीबी भी है, पीसीएम पीसीबी। पीसीएम में का जो टाइमिंग, हर संडे को होता है टेस्ट। इसका टाइमिंग जो होता है 11 AM से लेकर 12:30 PM होता है, ठीक है। और इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं पीसीबी की। तो पीसीबी जो रहता है वो, ये भी संडे को ही होगा, उसी दिन ही, लेकिन टाइमिंग उसका 9 AM से लेके 10:30 AM है और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आप जीत गए, ठीक है ना। तो आपको 25 लाख आपको प्राइज़, विनिंग प्राइज़ है इसमें, जो फर्स्ट आता है उसको 25 लाख स्कॉलरशिप मिलेगी। इसको सोच लीजिए कितना बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन में मैस्ट्रो बैच स्टार्ट हुई है जो 2021 के लिए, ये सिर्फ इवनिंग में क्लियर रहती है, ओनली फॉर इवनिंग। उसके बाद फिर अगर आप प्लस के सब्सक्राइबर हो तो उसके बेनिफिट्स क्या है देख लीजिए। 30+ टॉप एजुकेटर आपको टीच करेंगे, 20+ बैचेस है, 350+ कोर्सेस है, 2,000+ लेसन्स है और अभी और इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके टॉप एजुकेटर्स के पिक्चर्स है, इसमें देख लीजिए। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर डेली, देखो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज हो रही है, T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पे 2021-2022 बैचेस के लिए। इसका शेड्यूल ऐसा है, मंडे को फिजिक्स, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, वेंसडे को मैथमेटिक्स, थर्सडे को बॉटनी और फ्राइडे को जूलॉजी रहता है। इसमें एनरोल कर लीजिए, ठीक है ना। ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से इसमें भी एनरोल कर लीजिए आप। अब अनअकैडमी प्लस के लिए वीकली मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हुई है इसके अंदर, एमएचटी सीटी प्लस सीरीज के लिए, मतलब वीकली मॉक टेस्ट है इनके लिए। ये हर सैटरडे होता है, इसमें पीसीएम और पीसी ग्रुप में डिवाइड रहता है, ये को प्लस के लिए अवेलेबल रहेगा ये। ओके, चलिए फिर अब हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। चलिए देखते हैं, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये चैप्टर का नाम है। यहाँ से आज का ये पहला लेक्चर है। तो अभी आपको याद रखना है कि इसमें तीन कंपाउंड है, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो मैं अभी इसको एक एक करके पढ़ाऊंगा, पहले मैं अब एल्कोहल स्टार्ट करूंगा मैं अभी। ओके, एल्कोहल से स्टार्ट होगा अपना ये। तो अब एल्कोहल की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए यहाँ पर, देखिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ये लिया अल्केन RH, इसमें से हमने क्या करना है, एक या एक से ज़्यादा आपको क्या करना है, हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, इसमें से मैंने हाइड्रोजन अभी एक ही दिखा, तो मैं एक ही रिप्लेस करता हूँ। किससे रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आपका ROH, एल्कोहल बन गया। मतलब एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। देखो ये डेफिनेशन हो गई, मीन्स एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब अल्केन्स, ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ये डेफिनेशन है इसकी, आसान है। आप देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है देखो उसका बेस आप समझ लीजिए। तो एल्कोहल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ध्यान से देखिए जरा। अगर एक होगा तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, दो होगा तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीन होगा तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और तीन से ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो मैं एक एक डिस्कशन करता हूँ इसमें। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, ध्यान से देखिए, मोनोहाइड्रिक मीन्स द एल्कोहल्स कंटेनिंग वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो डेफिनेशन कितना आसान है, मतलब कि अगर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। जैसे अब देखो एग्जांपल, देखो CH3OH, इसमें देखो आपको एक ही OH दिख रहा है तो इसको लेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो अभी C2H5OH, इसमें आपको एक ही OH दिख रहा है, मतलब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये आपके मोनोहाइड्रिक। और जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। देखो यहाँ लिख के रखा है दे आर सिंपली कॉल्ड एज एल्कोहल्स। बाकी डाई, ट्राई या पॉली को हम एल्कोहल्स नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना है अभी आपको। सिर्फ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए आ रहा है, दे आर सिंपली कॉल्ड एज एल्कोहल्स, बाकी कहीं ये वर्ड यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको, चलिए बनेगा। अब आते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स पर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डाइहाइड्रिक मतलब डाई मतलब टू होता है, तो देखो द एल्कोहल्स कंटेनिंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाइहाइड्रिक बोलेंगे। अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखे तो उसको डाइहाइड्रिक बोलेंगे। देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है मैंने, देखो दो ये दिख रहा है दो OH, एक दो, तो ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। देखो यहाँ पे एक दो, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। मीन्स डाइहाइड्रिक एल्कोहल को हम आप क्या बोल सकते हैं, डायोल्स या ग्लाइकॉल्स, याद रखना है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायोल्स और ग्लाइकॉल्स। अब देखो और OH ग्रुप जो रहता है वो प्रेजेंट ऑन डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट आए नहीं, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन आइटम्स, डिफरेंट कार्बन आइटम्स से प्रेजेंट होता है, ओके बराबर। जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल, देखो दो कार्बन होते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको इथेन 1,2 डायोल, इसको लेंगे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपेन 1,3 डायोल, सॉरी 1,2 डायोल, 3 नहीं 1,2 डायोल, 1,2 डायोल, क्लियर। देख लीजिए अब देखो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स, देखो एल्कोहल्स कंटेनिंग थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल एल्कोहल्स बोलेंगे। तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, देखो यहाँ भी देख रहा है आपको 1,2,3, थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको बोलेंगे हम क्या, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स बोलेंगे इसको। इसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हम कहते हैं ट्राइओल्स या ग्लिसिरॉल बोलेंगे इसको, ट्राइओल्स और ग्लिसिरॉल बोलेंगे इसको, ग्लिसिरॉल, ठीक है। अब देखो ये जो ये एग्जाम्पल, इसको हम ग्लिसरीन या फिर ग्लिसिरॉल ही बोल सकते हैं इसको, हम लोग ग्लिसरीन और ग्लिसिरॉल। इसका आईपीसी नहीं होगा, प्रोपेन 1,3,3, 1,2,3 ट्राइओल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, देख लीजिए एक बार उसको अच्छे से। देखो यहाँ लिखा है कि OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन, सेम कार्बन नहीं होगा। अगर सेम पे होगा ना तो क्या हो जाएगा, उसमें से वाटर बाहर अपने आप निकल जाएगा और बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, बनेगा या तो कीटोन या फिर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बन सकता है वहां पर, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, ध्यान दीजिए पॉली, द एल्कोहल्स कंटेनिंग मोर देन थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, तीन से ज्यादा होना चाहिए इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, ओके। जैसे अब देखो यहाँ पर कितने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको मैंने एक्सपांड करके लिखा है, देखो 1,2,3,4,5,6 है इसके अंदर, ये हेक्साहाइड्रिक हो गया, हेक्साहाइड्रिक। और इसका जो सही नाम है हेक्साहाइड्रिक उसको सॉर्बिटॉल, मतलब हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल्स, पेंटाहाइड्रिक एल्कोहल्स, हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल्स, हेप्टाहाइड्रिक एल्कोहल, ऑक्टाहाइड्रिक एल्कोहल, नोनाहाइड्रिक एल्कोहल, इस टाइप से आप कर सकते हैं इसको, बात समझ आ रही है कि नहीं। डेकाहाइड्रिक ये आपका 4 से लेकर 10 तक जनरल यूज़ करते हैं, लेकिन अब इतना अपने सिलेबस में नहीं है इसका, इसका हमको अपने सिलेबस में नहीं है इसका, ओके समझ आ रहा है आपको, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम टू विच हाइड्रोक्स ग्रुप इज अटैच्ड। हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, देखिए कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, कार्बन आइटम के हाइब्रिडाइजेशन स्टेटस को दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, एल्कोहल्स कंटेनिंग कार्बन SP3OH बॉन्ड और दूसरा आएगा एल्कोहल्स कंटेनिंग कार्बन SP2OH बॉन्ड, ऐसा आएगा, ओके तो यहां पे देखिए, तो इन दिस एल्कोहल्स OH ग्रुप जो रहेगा किससे अटैच होगा, SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। आप जैसे हमने को एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए CH3OH, आप देखो ऐसा, तो ये जो कार्बन है ये आपका SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये किससे अटैच होगा आपका, देखिए SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप, इससे आपका क्या अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा, इसको हम बोलेंगे एल्कोहल्स कंटेनिंग, एल्कोहल्स कंटेनिंग कार्बन SP3OH बॉन्ड, ठीक है। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ROH, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH और दूसरा फॉर्म हो सकता है CnH2n+2O,
यहाँ पे एन आप 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी कितना रख सकते हैं यहाँ पर, एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होता है, ठीक है ना। अब देखो आपने इस फॉर्मूले, अगर आपने देखो मैं इस फॉर्मूले का यूज बताता हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, वन कार्बन रखा, ठीक है, एच टू इंटू वन प्लस वन ओ एच, क्या आएगा इसका फॉर्मूला, अभी वन को लिखते नहीं तो सी, देखो टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री थ्री, तो सी एच थ्री ओ एच आ गया। अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, वन सी एच टू इंटू वन प्लस टू ओ, इससे क्या बनेगा आपका, देखिए यहाँ पर यहाँ बनेगा आपका सी एच टू इंटू वन टू और टू फोर, फोर हो गया ओ एच। अब इसको आपको ये मॉलिकुलर फॉर्म आएगा इस सेकेंड से, इस फॉर्म से आपके क्या आने वाले मॉलिकुलर फॉर्म, उसको आपको स्ट्रक्चर फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ का एच इधर शिफ्ट कर दो बस, तो सी एच थ्री ओ एच ये बन गया, ऐसा ऐसा बनेगा यहाँ पर, समझ आ रहा है। ये ऐसे यूज़ करना है इसको, फॉर्मूले को आ जाएगा आपको। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, दे आर फर्दर क्लासिफाइड है, देखो इसको हम पहले ले रहे हैं यहाँ पे, अगर देखें ये पहला क्लासिफिकेशन, इसमें हम क्या लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल्स, तो इसको मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है मैंने, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, इससे आपको वो जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए। तो प्राइमरी एल्कोहल किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना, अगर ओ एच ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो प्राइमरी एल्कोहल, ओ एच ग्रुप अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी एल्कोहल, ओ एच ग्रुप अगर टर्शरी कार्बन से अटैच है तो टर्शरी एल्कोहल, ये इसका सिंपल कंसेप्ट, मतलब यहाँ पर जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, हम फर्दर जो क्लासिफिकेशन इसको, ये किस पे बेस्ड है कि हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी कार्बन से अटैच है तो टर्शरी एल्कोहल। तो मैं पहले आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल, द एल्कोहल इन विच ओएच ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन आइटम, देखो ओएच ग्रुप से अटैच है प्राइमरी कार्बन से अटैच है, उसको लेंगे प्राइमरी एल्कोहल, उसका फंक्शन ग्रुप क्या होगा सी एच टू ओ एच, उसको लेंगे प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, और इसका एग्जाम्पल देखो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, या फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं सिंगल कार्बन भी प्राइमरी में कंसिडर होता है, मिथाइल एल्कोहल भी इसका एग्जाम्पल, ये मान लो पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा हो गया मिथाइल एल्कोहल, ये देख लीजिए, ओके ये देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम अभी इसमें, सी एम एच जी 2021 कब होगा बेटा, अभी आपका तो एकेडमिक ईयर ही स्टार्ट नहीं हुआ, क्या नाम आपका, एकेडमिक ईयर ही स्टार्ट नहीं हुआ, एकेडमिक ईयर पहले होगा उसके बाद बोर्ड होगा उसके बाद सीट होगा, बहुत टाइम है, अभी तो आपके एकेडमिक ईयर ही स्टार्ट नहीं हुआ ना, वो एकेडमिक होने के बाद ट्वेल्थ होगा, तो ट्वेल्थ का जो पॉसिबल बताया उन्होंने वो मई के एंड एंड के बाद स्टार्ट होगा, मई के बाद शुरू होगा आपका ट्वेल्थ, बहुत टाइम है, फिर ट्वेल्थ होगा, ट्वेल्थ होने के बाद फिर आपका सीट ही होगा, एक महीना तो एग्जाम में जाता है, करीब करीब 20-25 डेज जाते हैं एग्जाम में, उसके बाद में फिर आपका ये होगा सी टी, बहुत टाइम है उसके लिए, तो अभी जुलाई अगस्त के टाइम ही समझ से मान के चलिए पॉसिबल, मतलब अभी उनका जी आर तो आए नहीं, गवर्नमेंट का रूल नहीं आए, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं सेकेंडरी एल्कोहल को, देखते हैं अभी यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल, ध्यान से देखिए सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा कि ओ एच ग्रुप जो होगा वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा, देखो ओ एच ग्रुप किससे अटैच है, सेकेंडरी, देखो मैं दो जगह करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। हैप्पी दिवाली बेटा सभी को, हैप्पी दिवाली, जैसे हम बोलेंगे अभी थोड़ा और टाइम बचा है मेरे पास, तो एल्कोहल्स इन विच ओएच ग्रुप इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन आइटम आर कॉल्ड सेकेंडरी एल्कोहल्स, ये देखो सेकेंड एल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। उसके बाद में फिर इसमें आपको याद रखना है कि ये आर आर को हटा दो तो क्या बन जाएगा आपका फंक्शन ग्रुप, ये आपका देखो सी एच ओ एच होगा आपका सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, ओके। उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल देखो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये देखो कुछ भी नहीं है, मीन्स क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, ओएच ग्रुप कौन से कार्बन से, प्राइमरी कार्बन से तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से तो सेकेंड एल्कोहल, टर्शरी कार्बन से टर्शरी एल्कोहल, ओके। तो सेकेंडरी एल्कोहल मीन्स द एल्कोहल इन विच ओएच ग्रुप इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन आइटम आर कॉल्ड सेकेंडरी एल्कोहल्स, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट टर्शरी एल्कोहल, द एल्कोहल्स इन विच ओएच ग्रुप किससे अटैच होगा, इज अटैच टू टर्शरी कार्बन आइटम आर कॉल्ड टर्शरी एल्कोहल्स, देखो अब यहाँ पर ये टर्शरी कार्बन है उससे अटैच आपका ओएच है यहाँ पर, उसको लेंगे टर्शरी एल्कोहल्स, इसका आर आर को हटा दो तो बन जाएगा आपका फंक्शन ग्रुप, देखो ये हो गया आपका सी ओ एच, ये होगा टर्शरी एल्कोहलिक ग्रुप, ये आपका एग्जाम्पल इसका देख लीजिए टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, लिख रहा है आपको क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अभी सेकेंड पार्ट उसका, अलाइलिक एल्कोहल्स। अब इसमें क्या होगा कि ओ एच ग्रुप किससे अटैच होगा, एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे अलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे, क्या बोलना है, द एल्कोहल इन विच ओ एच ग्रुप इज अटैच टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अलाइलिक एल्कोहल,
अलाइली कार्बन से अटैच है इसका एस, इसलिए ये तीन टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देखो यहाँ पर ये OH ग्रुप किससे अटैच है, प्राइमरी कार्बन से, है ना, तो इसलिए इसको लेंगे प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल। ये OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी, इसलिए इसको लेंगे सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। OH ग्रुप किससे अटैच है, टर्शरी कार्बन, इसलिए उसको बोलेंगे टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। आया समझ में आपको, ऐसा करना है। तो इसके मैंने आईपीसी नेम लिखे, तो आईपीसी नेम आपको आ जाते होंगे, 1, 2, 3, तो क्या लिखेंगे, तीन का, तो प्रोप टू इन वन ऑल, यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो इसका हो जाएगा चार का, तो ब्यूट 3 in 2 all, यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो इसका हो जाएगा आपका 2-methyl-but-2-in-2-all, मतलब 3 in 2 all, सॉरी, देख लीजिए, क्लियर है, ऐसा होगा। तो अलाइलिक तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ओके, बनेगा। चलिए आप देखते हैं बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू, किससे अटैच होगा, OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। ये भी तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं, ये भी तीन टाइप के होते हैं। तो अगर आपका OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, OH ग्रुप अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच है तो टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल, बराबर है। तो इसको देखो, रिंग और CH2 रहा तो बेंजाइल, तो बेंजाइल अल्कोहल ये कॉमन नेम हो गया इसका, आईपीसी नेम हो गया इसका फिनाइल मिथेनॉल। इसमें देखो ये इसमें क्या CH OH है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल ही करो, मतलब इसको बोलेंगे क्या, बेंजाल अल्कोहल, और आईपीसी नेम हो गया इसका, वन लगाने की जरूरत नहीं, चाहता ऐसे बोल सकते हैं फिनाइल इथेनॉल, दो ही कार्बन है ना, चलता है। उसके बाद यहाँ पर हम वो लगाएंगे, देखो 1, 2, 3 है, तो इसको लेंगे 2-phenyl-propane-2-all, ये आईपीसी नेम, और इसको बेंजो बोलेंगे। आपको ग्रुप्स तो याद होंगे ना, अगर आपका ऐसा ग्रुप है, देखो C6H5CH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल ग्रुप। और अगर C6H5CH ग्रुप है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजाल, बेंजाल ग्रुप। और अगर ऐसा है C6H5C तो इसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप बोलेंगे इसको, ऐसा आपको याद रखना है। ये आपको 11 से, एक्चुअली 11 से पढ़ाया जाता है ये सब कुछ, तो ऐसा आपको करना, मतलब अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, इसको ऊपर कर दो, दिख नहीं रहा है शायद, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, आ जाएगा। सिंपल है कि हाइड्रोक्स ग्रुप किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट किससे अटैच होना चाहिए, बेंजीन रिंग, उसको बोलेंगे बेंजाइलिक। अगर वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी बेंजाइलिक, टर्शरी कार्बन से अटैच है तो टर्शरी बेंजाइलिक, ये भी तीन टाइप के हो गए, ओके। अब देखते हैं इसका सेकेंड टाइप जो है, अल्कोहल्स कंटेनिंग कार्बन sp2 OH बॉन्ड, ठीक है ना, तो अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, आर कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल्स बोलेंगे। देखो OH ग्रुप किससे अटैच है यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज या फिर विनाइलिक कार्बन बोलते हैं उसको, हम बोलेंगे क्या, विनाइलिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, विनाइलिक अल्कोहल्स, ओके। ये आपको ऐसे याद रखना है, देख लीजिए, तो ये हो गया आपके पूरे क्लासिफिकेशन, आ रहा है सबको समझ में, या पहले पढ़े हैं आप लोगों ने, जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी आज है धन त्रयोदशी, उसके लिए स्टूडेंट्स बहुत कम है, फेस्टिवल है तो लोग बच्चे स्टूडेंट लगे रहते हैं आपके घर को सजाने के लिए इसके, उसके लिए, और कल दिवाली है ना, उसके लिए स्टूडेंट्स कम ही रहेंगे, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े। अब हम देखते हैं उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है ना, चलिए रेडी हो जाइए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल किसको बोलेंगे, अलाइलिक अल्कोहल, राइडिल को क्या बोलेंगे, व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायहाइड्रिक अल्कोहल, कौन सा होगा, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, यस। अलाइलिक में क्या होना चाहिए, आपको याद होगा अलाइलिक में क्या होता है, अलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइलिक या अलाइलिक, और उससे अटैच OH ग्रुप, ये अलाइलिक हो गया। ग्लिसरीन मतलब इसमें क्या होगा आपका, CH OH यहाँ पे CH, ठीक है ना, ये बना दे, ये ग्लिसरीन, यही ग्लिसरॉल भी है, ये ग्लिसरीन ग्लिसरॉल एक ही रहता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल क्या होगा, CH3CHOH CH, ये सब आपको याद आने चाहिए सारे, इसका आंसर डी होना चाहिए, बराबर है कि नहीं, देख लीजिए ऐसा।
उसने क्या लगा कि डाइहेड्रिक एल्कोहल पूछा ना उसने, बराबर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सोचिए, ब्यूटेन टू ऑल इज कौन सा है? ब्यूटेन टू ऑल क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंड एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है। ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आपको मालूम चल जाएगा, सी एच थ्री सी एच ओ एच, ओके सी एच टू और सी एच थ्री। ब्यूटेन टू ऑल मतलब ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, मतलब ये सेकेंड एल्कोहल होगा, मतलब इसका आंसर बी होना चाहिए, करेक्ट है? देख लीजिए बनेगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ एच इज, ये क्या अलाइलिक होगा, बेंजाइलिक होगा, विनाइलिक होगा या अल्काइल एल्कोहल होगा? चलो जितने स्टूडेंट्स ने सोच के बताइए, कोई आंसर दे सकता है किसका? यस यस जल्दी जल्दी बताइए, दे सकते हैं आप आंसर इसका? हाँ भाई आंसर दीजिए। तो ये देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ये विनाइलिक है, तो इसको बोलेंगे विनाइलिक एल्कोहल बोलेंगे, ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई बेंजाइलिक एल्कोहल। इसमें बेंजाइलिक एल्कोहल कौन सा होना चाहिए? आप सोचिए बेंजाइलिक एल्कोहल कौन सा होना चाहिए इसमें से? बेंजाइलिक मतलब ओ एच ग्रुप किससे अटैच होगा? एसपी थ्री हाइब्रिडाइज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, है ना? देखो ना ओ एच ग्रुप किससे अटैच होगा, मैं बना के दिखाता हूँ। ओ एच ग्रुप किससे अटैच होगा? एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग से अटैच होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। तो यहाँ पर ये एसपी टू ये दिख रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब इसका आंसर ए दिख रहा है मेरे को। ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, बराबर है कि नहीं? देख लीजिए बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू ओ एच इज विनाइलिक एल्कोहल होगा, बेंजाइलिक एल्कोहल होगा, अलाइलिक हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। आप लोग सोचिए, कोई भी आंसर नहीं दे रहा भाई, आप लोग है कि नहीं उधर? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, और उससे अटैच सी एच टू है तो इसको बोलेंगे अलाइलिक, और उससे अटैच ओ एच ग्रुप है ना, ये अलाइलिक, तो इसको हम बोलेंगे हम लोग क्या? यस इसको बोलेंगे अलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे इसको, सी आंसर इसका। नहीं नहीं विनाइलिक नहीं है बेटा ये, अच्छा पहले का आंसर विनाइलिक होगा, अभी का जो दिया है ना मैंने, इसका आंसर है अलाइलिक। अलाइलिक कार्बन समझिए, ये अलाइलिक कार्बन, ये दिख रहा है इतना जो दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका अलाइलिक, इतना जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं अलाइलिक, अलाइलिक, ठीक है ना? ये ऐसा रहता है, बराबर है कि नहीं? और अगर ऐसा आता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक, ये इतना कार्बन जो दिख रहा है इसको बोलेंगे विनाइलिक, इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक, ये विनाइलिक है, विनाइल बोलिए, करेक्ट है कि नहीं? देख लीजिए। चलिए अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पर, ओके चलिए थोड़ा देखते हैं। तो अल्कोहल के कॉमन नेमिंग के लिए हमको यूज़ करना है वर्ड अल्काइल अल्कोहल, वर्ड यूज़ करना है, क्या ये वर्ड यूज़ करना है? अल्काइल अल्कोहल। और आईपीसी नेमिंग के लिए अल्केनॉल, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अल्केन का ई लेटर ड्रॉप करना पड़ेगा, अल्केन का, अल्केन ऐसे लिखते ना, तो अल्केन का ई लेटर ड्रॉप करना और उसकी जगह पर आपको क्या अटैच करना है? ऑल अटैच करना है, ये प्लस किया तो आपका बन जाएगा अल्केनॉल, ये देख लीजिए अल्केनॉल, आईपीसी अल्केनॉल। ई लेटर क्यों ड्रॉप करना है? क्योंकि यहाँ पे देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ मतलब वॉवल से, यहाँ पर तो अगर ए ई आई ओ यू से अगर स्टार्ट होता है अगर आपका ये सफिक्स का, तो ऑल से स्टार्ट हो रहा है, उसलिए ई लेटर ड्रॉप हो गया, देखो समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा है। और इसका एक तीसरा एक नॉमिनक्लेचर है, एक तो कॉमन नेमिंग आई पी सी, कॉमन नेमिंग हम ट्राइवियल नेमिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ट्राइवियल, ट्राइवियल नेम बोलते हैं, ठीक है ना। और एक तीसरा सिस्टम होता है कार्बिनॉल सिस्टम, वो भी आपके सिलेबस में है इधर, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल अब मैं पहले आपको बनाता हूँ, पहले हम अभी दोनों साथ चलाएंगे, कॉमन और आईपी साथ साथ चलेंगे आपके, ठीक है ना। ये कार्बिनॉल सिस्टम हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए मैं ज़रा जल्दी कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट सी एच थ्री ओ एच, अब यहाँ पे क्या लिखा है कॉमन नेमिंग के लिए? अल्काइल एल्कोहल, अल्काइल ग्रुप क्या है? मिथाइल, तो मैं लिखा यहाँ पे मिथाइल, और ओ एच के लिए एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल।
आईपीसी में अल्केनॉल, एक ही कार्बन, तो मतलब अल्केन हो जाएगा मीथेन, और सफिक्स आपको लगाना है ऑल, ये हो गया मीथेनॉल, देख लीजिए, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अब चलिए और देखते हैं एग्जांपल, अभी तो स्टार्ट किया ना अपन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट अब CH3 CH2 OH, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा देख लीजिए, अल्काइल ग्रुप है इथाइल और एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये हो गया इसका कॉमन नेम, देख लीजिए अल्काइल एल्कोहल है ना, तो अल्काइल इथाइल एल्कोहल। अब इसका आईयूपीएसी नेम अल्केनॉल, दो कार्बन, दो कार्बन हम क्या लिखते हैं इथेन, और सफिक्स ऑल इथेनॉल हो गया, ये लेटर ड्रॉप करना है, ओके। अब नेक्स्ट देख लीजिए CH3 CH2 CH2 OH, यस सोचिए अब इसका नाम क्या होगा, अल्काइल ग्रुप क्या है एन प्रोपाइल लिख रहा है मुझे, तो यहाँ लिखूंगा मैं एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल। आईपीसी नेम लिखो, फंक्शन ग्रुप क्या, अगर तीन कार्बन आएंगे तो नंबरिंग करना पड़ेगा आपको, फंक्शन ग्रुप क्या अगर तीन कार्बन है तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल, ये हो गया इसका आईयूपीएसी में, देख लीजिए आएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH CH3, स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल आएगा, ठीक है ना, ब्रांचिंग के लिए क्या आएगा आइसो सेकेंडरी या टर्शरी जो भी होगा, तो अब ये डिपेंड करता है वो उसका कैसी ब्रांचिंग। आप देखो आइसो की कंडीशन लीजिए, अगर ब्रांच के दोनों अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, देखो दोनों ब्रांच अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तब आइसो आएगा आइस, ठीक है ना, और अगर ब्रांच अल्काइल ग्रुप मिथाइल नहीं है तो सेकेंडरी, ब्रांच अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है तो आइसो, ब्रांच अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल नहीं तो सेकेंडरी, ये याद रखना दोनों में, तो नॉर्मल तो स्टेट समझ आ जाता है, नॉर्मल स्टेट के लिए नॉर्मल आएगा, तो आइसो और तीन कार्बन, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल नाम हो गया इसका, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अब इसका आईपीसी ने नंबरिंग करो 1 2 3, तो इसका हो जाएगा आपका प्रोपेन, देख लीजिए प्रोपेन टू ऑल, ये हो गया इसका आईपीसी ने, आइसो मतलब समझ आ रहा है आपको, दोनों ब्रांच मिथाइल होगा तब आइसो आएगा, अगर मिथाइल नहीं है तो फिर आपका हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब CH3 CH2 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 OH, यस स्टेट चेन है तो समझ में आ गया, क्या आएगा प्रीफिक्स नॉर्मल, कितने कार्बन टोटल 4 है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल नाम हो जाएगा इसका, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। आईपीसी के लिए क्या करना, फंक्शन के तीन चार कार्बन है तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन वन ऑल, वन पे ऑल है ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन वन ऑल, देख लीजिए ये इसका आईपीसी नेम हो गया। और बनाते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH CH2 CH3, देखिए यहाँ पे हमने ओच लगाया। अब देखिए यहाँ पर ब्रांचिंग के दोनों साइड मिथाइल है क्या, नहीं है, एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल, तो यहाँ पर आपका जो नेम आएगा यहाँ पे कॉमन नेम इसका नाम आ जाएगा सेक लग जाएगा, सेकेंडरी। अगर दोनों ब्रांच मिथाइल है तो आइसो, और ब्रांच अगर अल्काइल ग्रुप क्या नहीं है आपका मिथाइल नहीं है तो फिर क्या आएगा यहाँ पर सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये नाम आएगा इसका। और इसका आईपीसी नेम क्या होना चाहिए, इसका आईपीसी नेम देखो, नंबरिंग ओएच ग्रुप कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से नियरेस्ट है, इसलिए नंबरिंग करेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3, क्योंकि ओएच ग्रुप जिस एंड से नियरेस्ट है वहाँ से नंबरिंग करना, ये तो आपको मालूम ही होगा, 11 में पढ़ा है। इसका नेम आ जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। चलिए और आगे देखते हैं अभी CH3 CH CH3 CH2 OH, अब यहाँ पे क्या आएगा कॉमन नेम में,
यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों ब्रांच अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आइसो, उसका कॉमन ही हो जाएगा आइसो टोटल कार्बन 4, तो ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। इसका आईपीसी नेम नंबरिंग कीजिए 1 2, उधर जाओ या इधर जाओ सेम ही है। तो इसका हो जाएगा आपका जो आईपीसी नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ऐसा होगा, देख लीजिए ठीक है ना। हिमांशु, यस हिमांशु करेक्ट है, माधव भी दे रहा है, यस यस ठीक है ना। तो बेटा आज है धन त्रयोदशी है, स्टूडेंट्स बहुत कम है आज, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए, अभी अभी क्या, अभी अपना भी टाइम हो गया है अब, और सब एंजॉय कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, है ना। यस 2 मिथाइल प्रोपेंटोल, यस करेक्ट है माधव, करेक्ट है करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया ना सर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम आई नॉमिक लेक्चर से मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना। आपको मैं प्रैक्टिस कर लेता, क्योंकि आज बच्चे बहुत ही कम है और ऐसे भी टाइम हो गया है, ठीक है ना, बहुत कम स्टूडेंट है आज। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको यहीं से मैं नॉमिक लेक्चर, क्योंकि कार्बिनोल सिस्टम भी समझाना है मेरे को, इसका थोड़ा सा क्विक रिविजन लेके मैं आगे बढ़ जाऊँगा आगे, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बेटा। चलिए तो सभी को हैप्पी दिवाली, आज हैप्पी धन त्रयोदशी भी है, ओके चलिए बाय बेटा, अभी सभी के लिए हैप्पी दिवाली सभी को।